महाशय आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस जलते हुए भड़कते हुए आग में पेट्रोल न छिड़के। अगर ये आग भड़कता है, खतरनाक रूप लेता है, तो सबसे पहले अमेरिका बर्बाद होगा, जलेगा और आप भी जल के मरेंगे। दोस्तों ये बात ओपनली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका कहा, बर्न कहा, और बड़ी बात यह है पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। शी जिनपिंग ने पहले कहा कि अगर नैन्सी पॉलिसी अगर ताइवान जाती है तो उसी प्लेन को हम हवा में ही रॉकेट मार के मिसाइल मार के गिरा देंगे, चाहे आपका बड़ा नेता हो, हमारे लिए दुश्मन होगा और यहां से वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा और हमें आप लोग दोषी मत देना, इतिहास आपको ही दोषी कहेगा। दोस्तों ओपनली चीन ने बहुत बड़ा क्रांति का आगाज कर दिया है और अमेरिका के लिए मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, ये नैन्सी पॉलिसी कोई आम आदमी नहीं है। नैन्सी पॉलिसी वहाँ का जो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में लोकसभा होता है ना, लोकसभा का जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उसी प्रकार अमेरिका का दोस्तों सांसद हुआ है ना, उसका नैन्सी पॉलिसी ये स्पीकर है, ये बहुत पुराना लीडर है, थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, उसके बाद दोस्तों सब मानता है। और नैन्सी पॉलिसी को उड़ाने की बात कहा है, बड़ी बात यह है और फिर नहीं कहा कि ये युद्ध होगा। और दोस्तों पूरे अमेरिका आज यूनाइट हो गया, एक हो गया है। और बड़ी बात यह है, भारत के कुछ लोग ध्यान से देखे, आँख खोल के देखे, देखिए जो महान देश होता है, जो देश ग्रो करता है, जो देश पावरफुल बनता है ना, उसमें कुछ खासियत होता है। खासियत दोस्तों यही है, आमतौर पर देखेंगे तो अमेरिका में दो पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। दोस्तों दोनों ही पावरफुल पार्टी है, दोनों आपस में लड़ता है, झगड़ता है, दोनों एक दूसरे का टांग भी खींचता है। लेकिन दोस्तों जब उससे चीन ने यह बयान दिया है कि हम नैन्सी पॉलिसी के फ्लाइट को रॉकेट्स मिसाइल के मार के उड़ा देंगे, अमेरिका के साथ महायुद्ध करेंगे, दोस्तों दोनों पार्टी एक हो गया है। आप जानते हैं दोस्तों माइक पोम्पियो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अमेरिका का विदेश मंत्री था। दोस्तों माइक पोम्पियो ने पहले कहा है नैन्सी पॉलिसी को। दोस्तों माइक पोम्पियो ये रिपब्लिकन पार्टी का नेता है और ये जो नैन्सी पॉलिसी है ये बाइडेन पार्टी का नेता, दोस्तों यानी कि डेमोक्रेट का नेता है। लेकिन ओपनली माइक पोम्पियो सबके सामने आया, बोला कि नैन्सी पॉलिसी जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको डर किस बात का है, चीन वाले आप पे मिसाइल मारेगा ना, टेंशन मत लो, उस प्लेन में हम बैठेंगे, जिस प्लेन में आप जाएंगे ना उसमें हम बैठेंगे और देखते चीन में कितना दम है, कैसे हम लोग का फ्लैट उड़ाता है, चलो हम लोग ताइवान चलते हैं। बेशक चाइना हमको प्रतिबंध लगाया है, हम चीन नहीं जा सकते हैं, लेकिन ताइवान तो हम जा ही सकते हैं ना। दोस्तों ओपनली कहा है कि बाइडेन के साथ खड़े हैं, नैन्सी पॉलिसी के साथ खड़े हैं और बाइडेन इंतजार न करे, हम लोग एक हो गए हैं और चीन को उड़ा डाल। दोस्तों ओपनली माइक पोम्पियो के बयान से पूरे दुनिया हैरान है, देख लिया भैया, बेशक दोनों पार्टी दोनों नेता लड़ता था लेकिन जब अमेरिका पे कष्ट होता है तो सब एक हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ तो लोग प्रूफ मांगता है, प्राण मांगता है, भैया आपने कैसे पाकिस्तान पे हमला किया, आपका हिम्मत कहाँ से खुल गया, आप में दम नहीं जो पाकिस्तान में घुस पाए, हमें प्रूफ। दोस्तों भारत में ऐसा कई बार हुआ है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आखिरकार नैन्सी पॉलिसी और चीन के कारण से क्या महायुद्ध छिड़ने वाले हैं और क्या यहाँ भारत का एंट्री 100% अब होकर रहेगा, क्या ताइवान अलग होकर रहेगा, क्या चाइना टूटेगा। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये झगड़ा कोई आम झगड़ा नहीं है, ये बेहद ही खतरनाक रूप ले चुका है, अमेरिका के लिए एगो की बात हो गया। अमेरिका अब किसी भी हालत में ताइवान में नैन्सी पॉलिसी को भेजेगा, क्योंकि अगर यहाँ से अमेरिका पीछे हटता है तो उसे दुनिया कायर कहेगा और यहाँ से चीन का हिम्मत हमेशा के लिए खुल जाएगा, फिर किसी को धमका देगा, बोल देगा कि आपके नेताओं को मुरा देंगे। इसीलिए दोस्तों ये अब नाक की बात आई है, अब देखना यह है कि अमेरिका झुक जाता है या फिर चीन का सफाई कर देता है। और इस समय दोस्तों भारत को अब साथ देना ही होगा, हम लोग रूस मुद्दे पर चुप थे क्योंकि रूस हमारा मित्र है, लेकिन चीन मुद्दे पर हमें मैदान में आना ही होगा। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ, मित्रों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, आप लोग का लाइक कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को एक बात और बता दूँ, दोस्तों अगर आप चाहते हैं भारत कुछ ही सालों में चीन से आगे, अमेरिका से आगे निकल जाए, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, दोस्तों आप लोग को एक काम करना होगा। देखिए भारत में लोगों के पास संपत्ति कम नहीं है, हर आदमी पैसा कमाता जरूर है लेकिन पैसा को घर में ही रखता है। और बड़ी बात तो यह है, अगर पैसा आप घर में ही रखेंगे तो देश के अर्थव्यवस्था में काम कब आएगा, यानी कि हमारे देश में हजारों कंपनियां लेकिन छोटे मोटे कंपनियां हैं, अगर इस कंपनियों को पैसा मिल जाए तो हमारा कंपनी भी अमेरिका जाएगा, यूरोप जाएगा, चीन जाएगा, वहाँ पर
व्यापार करेगा। जिस प्रकार से चीनी ओप्पो वीवो कंपनी भारत में आता है व्यापार करता है, जिस प्रकार से अमेरिकी कंपनी भारत में आता है व्यापार करता है, उसके पास पैसा है दोस्तों, कंपनी के पास पैसा है, वो व्यापार करता है और वो खूब कमाता है और अमेरिका अमीर होता है। दोस्तों अगर हमारा कंपनी भी खूब कमाएगा तो हमारा अर्थव्यवस्था चमकेगा, भारत मजबूत बन जाएगा और यहाँ पे बम्पर रोजगार मिलेगा और आप भी दोस्तों कमा सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, अगर आप शेयर बाजार में स्टॉक मार्केट में 1 लाख लगाते हैं और जिस कंपनी में पैसा आप लगाए हैं वो कंपनी चल गया, दोस्तों आपको लाखों रुपया करोड़ों में बदल देगा और आपका करोड़ रुपया दोस्तों अरबों में बदल देगा। और ये भी दोस्तों कुछ ही साल में, यानी कि आपको 1000 साल बिल्कुल नहीं दोस्तों, केवल 10 से 20 साल में ऐसा हो सकता है, संभव है। शेयर बाजार में कुछ भी संभव है, यानी कि आप भी कमाइए, देश को भी मजबूत कीजिए। कितना अच्छा दोस्तों काम है। काम क्या करना है आपको? एक डीमैट अकाउंट खोलना है और शेयर बाजार में थोड़ा बहुत निवेश कीजिए। यानी कि मान लो आप महीना में 10,000 कमाते हो तो केवल 500 रुपये ही निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार रिस्की भी होता है, इसीलिए पूरा पैसा न लगाए और थोड़ा थोड़ा हमेशा लगाते रहिए। ये देश हित में है और देश को फायदा मिलेगा तो आपको भी फायदा मिलेगा और देश हमारा सबसे आगे निकलेगा। दोस्तों अमेरिका के लोग पैसा बचाता नहीं है, वो निवेश करता है, इसीलिए अमेरिका इतना आगे है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों नैन्सी पोलोसी अमेरिका का एक बहुत ही बुजुर्ग लीडर है। दोस्तों जब चाइना में 1979 और 90 के दौरान वहाँ पे 10,000 से अधिक लोगों को कुचल दिया गया था, टैंक से उड़ा दिया गया था, दोस्तों तियानमेन स्क्वायर में ऐसा हुआ था, उस समय नैन्सी पोलोसी ओपनली चीन गया था, चीन जाके दोस्तों वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और वहाँ पे कई सारे अमेरिकी बड़े बड़े लीडर थे उस समय। दोस्तों ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। चाइना ने ओपनली अपना 1000 सेना भेज के नैन्सी पोलोसी को पकड़ लिया था और दोस्तों कैमरा वगैरह सब छीन लिया था। ये दोस्तों सच्चाई है, अभी भी ये प्रूफ है, यानी कि आज से 20-30 साल पहले के भी दोस्तों नैन्सी पोलोसी एंटी चाइना था, अब तो दोस्तों ओपनली हो चुका है। उनका कहना है कि हम बहुत जल्द एशिया का दौरा करेंगे, पहले जापान जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, कई सारे देश जाएंगे और अंत में हम ताइवान जाएंगे। और दोस्तों शी जिनपिंग के लिए ये नाक की बात है, शी जिनपिंग ऑलरेडी दोस्तों बड़े बड़े ब्लंडर कर दिया है। चीन में दोस्तों कोरोना ने क्या किया आप जानते हैं, वहाँ पे दोस्तों लाखों लोग मरा और बड़ी बात तो यह है कंपनी भी ठप, वहाँ पे बैंक में पैसा नहीं है, लोग सड़क पे आ चुका है, बैंक के सामने खड़ा हो चुका है। अब शी जिनपिंग का सत्ता जाना 100% तय है, इसीलिए जिनपिंग एक बड़ा दाव खेलेगा, दाव है ताइवान पे हमला। अगर ताइवान को हमला करके वो मिला लेता है तो फिर वहाँ के लोग तमाम गलतियाँ भूल के जिनपिंग को अपना शहंशाह फिर से मानना शुरू कर देगा और जिनपिंग इसी मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है। इसीलिए हाल ही में जिनपिंग ने अमेरिका को बोला था कि अगर आपका ये नैन्सी पोलोसी अगर ताइवान जाता है तो हम हमला करेंगे और आपके प्लान को उड़ा देंगे। आप बोलेंगे भैया जिनपिंग ऐसा बोल दिया तो दुनिया कुछ बोला क्यों नहीं, चीन का जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए चीन ओपनली कह रहा है कि भैया देखो ये ताइवान है ना, ताइवान तो हमारा अंग है और जब नैन्सी पोलोसी अगर नेता है अगर वो ताइवान जाती है तो वो मिलिट्री प्लेन जाएगा, यानी कि अमेरिका का जो मिलिट्री है ना उसी प्लेन में वो ताइवान जाएगा। और दुनिया के हर एक देश का एक नियम है, नियम क्या है, अगर कोई भी मिलिट्री किसी का हवाई क्षेत्र लांघता है, एयर स्पेस लांघता है, उस समय कोई भी देश उसे गिरा सकता है। इसीलिए ताइवान तो हमारा है और ताइवान में जब अमेरिकी प्लेन घुसेगा, वो मिलिट्री प्लेन घुसेगा जिसमें नैन्सी पोलोसी होगा, उसे हम उड़ा देंगे क्योंकि ये हम पे हमला माना जाएगा। और दोस्तों ये तर्क देके अमेरिका को चुप करा दिया है और बड़ी बात तो यह है अमेरिका के लिए अब नाक की बात आ गया है, अमेरिका यहाँ पे कूदेगा। और दोस्तों देखेंगे अमेरिका इस कस्म में भारत से 110% मदद भी मांगेगा और दोस्तों भारत यहाँ पे ओपनली अमेरिका के साथ रहेगा, यूरोप के साथ रहेगा, क्योंकि ताइवान मुद्दे पे दोस्तों हमें एक होना ही है। अगर ताइवान को चीन मिला लिया ना तो चीन का उसके बाद जो लक्ष्य है वो है तिब्बत का 5 उंगलियां, उसे वो मिलाएगा। बोले कौन है? बोलता है चीन की भैया ये नेपाल हो गया, नंबर 2 पे भूटान हो गया, नंबर 3 पे ये दार्जिलिंग सिक्किम हो गया, इतना ही नहीं लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, ये तो तिब्बत का 5 उंगलियां है, पहले हम ताइवान को मिलाएंगे फिर तिब्बत के 5 उंगलियां मिलाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमें चीन को ताइवान तक ही रोकना है, उसे वहाँ से खदेड़ भगाना है।